सिमुलेटर में ट्रेनिंग कितने देर की रहती है यहाँ पे? ये हाफ एन आवर्स की मैम उसकी 5 क्लासेस होती है, इसी भी एक लेन के अंदर रखना है, ठीक है? डॉटेड लाइन की आप या इस पार रखो या तो इस पार रखो, सेंटर लॉन्च स्टीयरिंग सेंटर करिए, सीधा करो। आपने ट्रैफिक लाइट जंप किया एक बार, वो गलतियाँ मार्क है उसमें, ठीक है ना? आपने दो बार इंडिकेटर बिना लेन चेंज की दिया, वो भी उसमें मार्क हो गया। और हमारे साथ आज दीपक सर हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, सेक्शंस है, तो आपको आज डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और क्या क्या की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे पहले बताया कि थ्योरी क्लास भी होती है, तो यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए मैम, एक्चुअली कैसा है ना कि ड्राइविंग स्कूल यहाँ देखेंगे, यहाँ शहर में बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल है, लेकिन ये जो ड्राइविंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये मारुति का निकाला हुआ कॉन्सेप्ट है। तो लोगों को भली भांति मतलब हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से मेन एक्चुअल ड्राइविंग होता है, क्योंकि लोग ड्राइविंग देखिए सिखाने के लिए हम भी सिखाते हैं, लोग भी सिखाते हैं, लेकिन एक सही तरीके से अगर ड्राइविंग सीखें तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ हमारे यहाँ जो क्लास में ट्रेनिंग होता है, हमारे यहाँ कोर्स होता है 21 दिन का है, 26 दिन का है, 31 दिन का है, लोगों को जैसी नीड होती है उसके हिसाब से वो वैसा कोर्स ले देते हैं। तो हमारा जो पहला ट्रेनिंग सेशन चालू होता है वो होता है क्लासरूम ट्रेनिंग से, जिसमें हम क्लासरूम ट्रेनिंग में हमारा 4 सेशन है, जिसमें 4 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोगों को गाड़ी के कंट्रोल्स के बारे में, फिर आपको ट्रैफिक साइन ट्रैफिक रूल्स के बारे में, फिर रोड एक्सीडेंट दुर्घटनाएं कैसे होती है, फिर फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग, डिफेंसिव ड्राइविंग, इमरजेंसी हैंडलिंग टेक्निक, कुछ लॉ और मैकेनिकल्स, ये सब चीज़ें हम ये क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान में कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। मतलब 4 दिन यहाँ पे पूरी थ्योरी दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर हम सिमुलेटर क्लास में आते हैं, जिसमें कैसा रहता है कि एक जस्ट ये कार का एक मॉडल है। अब लोगों को क्या करते हैं कि बाकी ड्राइविंग स्कूल की भाई सीधा कार पे ले आते हैं, भाई किसी को अगर उसको कंट्रोल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, तो वो फिर आगे की चीज़ कैसे करेगा। तो उसी के लिए हमारे पास एक सिमुलेटर मशीन है, आइए मैं उस सिमुलेटर मशीन को भी आपको दिखाता हूँ। क्या करते हैं हम इस सिमुलेटर मशीन में, हम उनको प्रैक्टिस करा लेते हैं। इस पर जस्ट कार के पूरे कंट्रोल रहते हैं, जैसे हम क्लच दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, गियर कैसे प्रैक्टिस करना है। तो हमारा जो सेशन रहता है ये 5 सेशन में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, लर्नर्स के लिए। इसमें 5 सेशन के दौरान में फिर हम चीज़ें कवर कराते हैं कि फर्स्ट डे में हमको उनको कैसा सेशन, स्टीयरिंग सबसे पहला चीज़ आता है हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल, तो हम वो स्टीयरिंग कंट्रोल कराते हैं। फिर सेकेंड डे में जब पहुँचते हैं तो फिर उनको स्टॉपिंग कैसे करना है, फिर प्रैक्टिस स्टॉपिंग करना है, हैंड स्टॉप करना है, इमरजेंसी स्टॉप करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर जब थर्ड सेशन में पहुँचते हैं तो गियर की प्रैक्टिस होती है कि फर्स्ट गियर से लेकर हमको फिफ्थ गियर तक का किस तरीके से जाना है, और फिफ्थ गियर से हमको फर्स्ट गियर में कैसे आना है, क्योंकि मेन शिफ्टिंग वही होता है, ठीक है। उसके बाद जब फोर्थ सेशन में आएंगे आपका, तो फोर्थ सेशन में आपको फिर स्टीयरिंग प्रैक्टिस का है, फिर ड्राइविंग अराउंड पॉल्स है कि भाई बीच में कुछ बैरिकेड्स वगैरह लगे रहते हैं उसमें आपको गाड़ी निकालना है, फिर 8 फॉर्मेशन है कि भाई 8 किस तरीके से बनाना है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस आपको उसमें होता है। फिर लास्ट जो 5वां सेशन रहता है वो आपका रहेगा कि भाई उसमें फिर एंगुलर पार्किंग किस तरीके से करना है, जब हमको लेफ्ट टर्न करना है तो उस लेफ्ट टर्न को किस तरीके से किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर जो सिग्नल इंडिकेट करके हमको टर्न करना रहता है उसके बारे में हम ये सब चीज़ें बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम रोड पे लेके जाते हैं, तो जब तक हम रोड पे लेके जाते हैं तब तक ट्रेनिंग आधे ज़्यादा 50% ड्राइविंग उसकी यहीं कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो फियर है रोड में डायरेक्ट जो चलाते हैं वो खत्म हो जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि देखिए अब किसी भी ट्रेनी को हम डायरेक्टली रोड पे लेके जाते हैं, दोनों वहाँ रोड में दोनों ही चीजें एक दिक्कत करती है, या तो सडनली एक्सीलेटर लेना या तो सडनली ब्रेक लेना, ये दोनों ही चीज नुकसान है कि एक्सीलेटर रेस होता तो सामने वाले को दिक्कत हो, सडनली ब्रेक लगा तो पीछे वाले के लिए दिक्कत है। गाड़ी भले हमारे यहाँ डुअल किट कंट्रोल की गाड़ियाँ रहती, लेकिन क्या रहता देखिए अगर सब चीजें कंट्रोल अगर इंस्ट्रक्टर कर लेगा तो फिर ट्रेनी क्या सीखेगा, तो उस बीच में हमको कुछ तरीके से हमको ट्रेनिंग को छोड़ना रहता है। तो उनको कम से कम इतनी सारी चीज़ें नॉलेज होती है कि भाई कंट्रोल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि वो चीज़ हमको रोड पे जाके समझाने की जरूरत नहीं पड़ता, ट्रेनिंग उस तरीके से अपना ड्राइविंग कर लेता। सिमुलेटर में ट्रेनिंग कितने देर की रहती है यहाँ पे? ये हाफ एन आवर्स की मैम उसकी 5 क्लासेस होती है, लेकिन जब जरूरत लगता है किसी कंडीशन को देखते हुए तो हम उनको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर इम्प्रूवमेंट रहता है तो रोड में हमें दिक्कतें नहीं होती। And practicing basic driving skills learned in training exercises. Good luck. ठीक है, सीट एडजस्टमेंट आपका, सीट कंफर्ट है, क्लच पहुंच रहा पैर, इसमें लेफ्ट वाला क्लच है, ठीक है, ABC कंट्रोल, 3 कंट्रोल बोलते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, पैर नहीं पहुंचना, सीट एडजस्ट करना पड़ेगा, सीट लीवर बीच में एडजस्ट करिए, आगे कीजिए। हाँ,
ठीक है, अब जिस तरीके से आप एक कार स्टार्ट करते हैं उसी तरीके सेल्फ लीजिए, स्टार्ट होगी गाड़ी। लगाइए फर्स्ट गियर, ठीक ठीक है, हैंड ब्रेक रिलीज, हैंड ब्रेक रिलीज करना है, बटन प्रेस करो और डाउन करो। चलिए हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे और धीरे से एक्सीलेटर लेंगे, हल्का सा हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिए, धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, हल्का हल्का ना रिलीज करते जाओ क्लच को, ठीक, और स्टीयरिंग बैलेंस करेंगे, ठीक है। जस्ट फील कैसा होता है, जैसे आप एक कार चला रहे हो ना उसी प्रकार से फील होता है, और जो भी गलतियां आप करते हो उसमें आपने सिग्नल, जैसे आप लेन क्रॉस करोगे वो आपको बोल देगा कि आपने बिना सिग्नल दिए लेन चेंज किया, तो ये गलतियाँ आपको बताते रहता है कि भाई हाँ आप ये गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। लास्ट में इसके मार्क्स आते हैं पूरे, ठीक है। इंडिकेटर ऑन करिए, राइट नीचे करो डाउन, राइट साइड का लीवर को, राइट साइड का लीवर डाउन करो, हाँ डाउन करो, नीचे 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 ये इस तरीके से डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़ाओ गाड़ी, ठीक है। टर्न, व्यू देखिए राइट साइड का, वो राइट साइड का व्यू है आपका, है ना। टर्न करो और घूमो स्टेरिंग, बस ठीक है, जितना घुमाया है उतना वापस लाना, अभी आने देना गाड़ी, धीरे धीरे आने दीजिए, आने दीजिए, हाँ आने दीजिए और आने दीजिए, आई गाड़ी, अभी फ्रंट सीधा नहीं हुआ, जब सामने का फ्रंट पूरा सीधा हो जाए तब स्टेरिंग सीधा करना रहता है, किसी भी एक लेन के अंदर रखना, ठीक है। डॉटेड लाइन की आप या इस पार रखो या तो इस पार रखो, सेंटर लॉ स्टीयरिंग सेंटर करिए, सीधा करो, छोड़ना नहीं है, जितना आप घुमाते हो उतना ही वापस लाना है, का पोजीशन हाथ का 245 मूवमेंट, ये होता है घड़ी में 2:45 मिनट पोजीशन, ठीक है। इसमें दोनों उंगली जो रहता है इंडिकेटर का, एक वाइपर का, और ये दोनों अंगूठे रहते हैं वो हॉर्न का, और इसी पे ही आपको ये पुल पुश करने का जो टेक्निक रहता है ना स्टीयरिंग का, वो सही होता है। तो कैसा रहा आपका सिमुलेटर मशीन का एक्सपीरियंस? आपका सिमुलेटर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं या मैं चलाती हूँ तो एकदम डर लगता है, लेकिन यहाँ पे वो डर काफ़ी कम हो जाएगा, मुझे आज फर्स्ट एक्सपीरियंस में पता चला। ये एक्चुअली ये जो मशीन है ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये मशीन को बनाया गया, क्योंकि देखिए यहाँ कैसा रहता है ना कि जेंट्स कहीं ना कहीं ड्राइविंग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं या गियर वाली गाड़ी का नॉलेज रहता है, लेकिन लेडीज़ों के लिए ये चीज़ नहीं है, वो उनको गियर वाली गाड़ी का तो नॉलेज नहीं रहता, कई लेडी ऐसे होते हैं जो तो टू व्हीलर भी नहीं चलाते, तो उनके लिए ये मशीन काफ़ी अच्छी है और उनके लिए अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हमारे पास कई ऐसे फीडबैक्स हैं जो आज ट्रेनीज सीख के गए हैं और अच्छा फीडबैक देखे गई है मारुति में। ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ सीट बेल्ट के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग सीट बेल्ट लगाते ही नहीं है। मारुति का पहला थीम है सेफ्टी है, इसमें जो आपने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ सब इसमें आ गया, आपने ट्रैफिक लाइट जंप किया एक बार वो गलतियाँ मार्क है उसमें, ठीक है ना। आपने दो बार इंडिकेटर बिना लेन चेंज की दिया वो भी उसमें मार्क हो गया, तो ये जो लास्ट में जो गलतियाँ हमें रहती है उसको रिकॉर्ड करता है, उसके हिसाब से वो मार्क्स दे देता है भाई आपने इतना किया। नहीं ये अच्छा है काफ़ी, क्योंकि फिफ्थ डे होते होते एक इम्प्रूवमेंट तो दिखेगा ही। ये आप किस कार में सिखाते हैं गाड़ी? मैडम मॉडल वाइज सब गाड़ियाँ चेंज करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ वैगन आर है, फिर हमारे यहाँ सेलेरियो है, अल्टो है, तो ये मॉडल वाइज ट्रेनीज़ को हम चेंज करके देते हैं। इससे क्या रहता है ना कि जो ट्रेनीज़ को स्पेस एडजस्टमेंट करने का गाड़ियों का फ़र्क रहता है ना वो चीज़ें क्लियर होता है, ताकि कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है किसी यहाँ सेडान गाड़ियाँ होती हैं, किसी यहाँ एसयूवी सेगमेंट गाड़ियाँ रहती हैं, तो वो क्या रहता है गाड़ियाँ चेंज करने का फ़र्क इसलिए आता है कि वो आपका उसका जजमेंट क्लियर हो जाए, तो इसलिए हम गाड़ियाँ चेंज करते हैं। तो अभी पर्टिकुलर हमारी तो मारुति का ही ब्रांच है, तो हमारे पास मारुति की ही गाड़ियाँ अवेलेबल्स रहती हैं।
कि रोड तो यहाँ जैसे सिटी की रोड रहते हैं सीधे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब हिल्स में प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, वहाँ पे सिचुएशन कैसे हैंडल करना ये नहीं जान पाते, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली कैसा रहता, देखिए मैम, ये मारुति का बनाया हुआ सब डिज़ाइन है, कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहता है ना कि हम RTO नॉर्म्स में भी उसको फॉर्म 14-15 कहते हैं और एक प्रोग्रेस कार्ड मेंटेन करते हैं जिसमें वो हर एक डिटेल उसमें दिया गया हुआ है कि ट्रेनी को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो अगर आप, मैं वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ, तो एक बार आप उसको भी देखिए। कंपनी की तरफ से हम कुछ किट देते हैं जिसमें काफ़ी सारे जो आप जो थ्योरेटिकल में हमने स्टार्टिंग में कवर कराया था ये सब चीज़ें हम इसमें एक ट्रेनी का इवैल्यूएशन वगैरह हम लेते हैं कि भाई वो किस तरीके से उनका थ्योरेटिकल क्लासेस चला है, तो उसके हिसाब से कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं और ये ट्रेनी को कस्टमर बुक वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनको किस तरीके से ड्राइविंग करना है, कुछ रीड करें, काफ़ी अच्छी अच्छी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है। और ये होता है ट्रेनिंग का एक प्रोग्रेस कार्ड जो हम रोड के दौरान में कवर कराते हैं। तो इस प्रोग्रेस कार्ड में कैसा रहता है कि ट्रेनिंग को वो हम हर एक चीज़ देते हैं जिनको उनको फर्स्ट डे के हिसाब से लास्ट डे के प्रैक्टिकल तक का क्या क्या इनको चीज़ें करवानी है। तो उसमें आपका अपील, रिवर्सिंग, पार्किंग, ट्रैफिक एरिया, ये सब चीज़ इसमें हम कवर कराते हैं ताकि ट्रेनी को उनकी नीड्स समझ में आती है, उसके हिसाब से फिर हम ये पॉइंट्स भी हम उनको कवर कराते हैं कि वो कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ये चीज़ ट्रेनी को भी पता रहना चाहिए ना कि भाई कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो ये हम इसी प्रोग्रेस कार्ड के हिसाब से हम चलाते हैं। जैसे कुछ लोग घर में ही सीख लेते हैं, कोई ना कोई सिखा देता है उनको घर में, लेकिन जब रोड पे निकलते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो उनको प्रॉब्लम आती है, हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट ही हैंडल कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या टिप्स? ये चीज़ तो है मैम, देखिए अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई कि हम घर पर सीख लेंगे या हमारा ड्राइवर सिखा देगा, लेकिन मेरा तो एक सभी से सजेस्ट रहेगा कि वो अगर किसी भी मतलब कि अगर कोई लाइक लर्नर है तो उनको एक किसी भी एक प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल से ही सीखें। हम ये नहीं कहते कि आप मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल से ही सीखें, लेकिन आप कभी कोई ऐसा लर्नर ट्रेनर है, ट्रेनी है, तो वो एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल से ही सीखें ताकि उनको वो हर एक चीज़ का नॉलेज मिले जो रोड में ऐसी कंडीशंस कई बार ऐसे आ जाते हैं जिनका कहना कठिन रहता है, तो वो इसके लिए वो हमेशा तैयार नहीं हो पाते। कुछ लोग ड्राइविंग के जो रूल्स हैं और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग घर में ही सीख के गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ आप ट्रैफिक के रूल्स के बारे में बता दीजिए। अब देखिए ट्रैफिक रूल्स को तो फॉलो करना चाहिए, फिलहाल अभी देखेंगे कि यहाँ जो जनसंख्या है और ट्रैफिक है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से भाई कि आप किसी भी अच्छे ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखें और जितने भी रोड साइन बने हैं या रोड रूल्स बने हैं या ट्रैफिक वार्डन जो भी अगर कोई संकेत देते हैं तो उनको वो भली भांति उसका पालन करें ताकि उनकी एक मतलब कहना चाहिए कि अगर कोई एक इस रूल्स को फॉलो करता है तो उसके जरिए में हो सकता है कि उनको देख के और भी लोग उनको उस चीज़ को फॉलो करें और इसी से ही धीरे धीरे ट्रैफिक और ये जो रूल्स हैं और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जो आए दिन उसको हम सुधार सकते हैं और बचा सकते हैं। तो जैसे आधे घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है तो बाहर सिर्फ किलोमीटर वाइज रहता है या फिर वहाँ भी कुछ टाइम लिमिट रहता है? किलोमीटर वाइज रहता है और हम वैसे 1 आवर्स का प्रैक्टिकल्स कराते हैं क्योंकि 1 आवर कुछ भी नई नई चीज़ें सीखने में उनको रोज़ समय लगता है और उस सेशन को कम्प्लीट करने के लिए उनको 1 आवर कम से कम ड्राइविंग स्किल में देना पड़ता है। तो कुछ ऑफर भी रहता है क्या यहाँ पे? कुछ ऑफर्स आते हैं मारुति की तरफ से, एक्चुअली मारुति की फ्रेंचाइजी है तो कभी कभी बीच में यंग इंडिया जैसे कुछ यंगस्टर रहते हैं उनके लिए स्कीम आती है, कभी कुछ कैशबैक स्कीम आती है कि भाई कोई नई गाड़ी वगैरह परचेस करते हैं तो उनके लिए ऑफर आता है, वुमेंस डे के लिए स्पेशली कंपनी का वुमेंस डे ऑफर आता है, तो ऐसे कुछ कुछ कंपनी मतलब प्रमोशन एक्टिविटीज़ के हिसाब से कंपनी निकालते रहती है मारुति स्कीम। तो ये ट्रेनिंग किस टाइम में कर सकते हैं, मतलब टाइमिंग क्या है यहाँ की? टाइमिंग मैम यहाँ का अभी 7 बजे से लेकर हम शाम के 5 से 6 लास्ट क्लासेस रखते हैं क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद से RTO से भी परमिशन नहीं किसी भी ड्राइविंग स्कूल को। और फीस क्या है यहाँ की? फीस मैम बेसिकली यहाँ अभी हम लोगों ने 5,500 रखा है, बाकी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा वो कोर्स चूज़ करेंगे, तो 21 डेज से लेकर हमारे पास तो 31 डेज तक का कोर्स है, तो वो जैसा फीस चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो जो नई ड्राइविंग सीखते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या टिप्स देना चाहेंगे? नई जो ड्राइविंग सीखते हैं भाई, मैं तो उनको केवल एक टिप्स देना चाहूँगा कि भाई आप जो भी रोड पे आप चल रहे हो तो जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं अब उसको फॉलो करते हुए चलो, मैं कहता हूँ कि कभी उसके बाद दुर्घटनाएँ नहीं होगी। और दूसरा एक पार्ट होता है गाड़ी का मेंटेनेंस, ये 2 चीज़ों की वजह से खासकर अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो शायद इस सब चीज़ों को बचाया जा सकता है। एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगी, यहाँ के आपके ट्रेनिंग में पार्किंग क्लास का कुछ अलग से ट्रेनिंग एक दिन का है, हाँ। तो वो क्या है?
वो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने चालू किया है, पहले और किसी ड्राइविंग स्कूल तो मैंने फिलहाल नहीं देखा ऐसा पार्किंग बैच करते हुए। तो हमने उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि ट्रेनी के सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमने एक पार्किंग क्लास को चालू किया, जिसमें हम एक कोन रखते हैं गाड़ियों में, उस तरीके से आरटीओ में भी आपका टेस्ट होता है। तो हमने कोन रखे, 8 कोन बना के हमने 8 फॉर्मेशन बनाया, उसमें पैरेलल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग, एंगुलर पार्किंग, ये सब पार्किंग हम करवाते हैं, लेकिन ट्रेनी को इंडिविजुअल, मतलब उस गाड़ी में उस दौरान में इंस्ट्रक्टर नहीं रहते, ट्रेनी को अकेले हम वो चीज़ करवाते हैं ताकि उनसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बने।